Hey guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग guys? आज हम लोग देखने वाले हैं ढिंडोरा का पार्ट 2. जी हाँ यार, देखो थोड़ी बहुत एडिटिंग मुझे करनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं रिएक्शन चैनल, वो तो चलो रीअपलोड कर ले रहे हैं, यूट्यूब ने उन्हें परमिशन दे रखी है, लेकिन हम जैसे जो छोटे मोटे गरीब यूट्यूबर हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना वीडियो ब्लॉक हो रही है, तो इसकी वजह से मुझे एडिट करके क्रॉप करके वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, ठीक है. तो चलो यार ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट मज़ेदार एपिसोड के बाद इस दूसरे एपिसोड बासी रोटी में ऐसा क्या है. ठीक है, चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे. हमें इमोशन की नहीं प्रमोशन की जरूरत. पापा मैं लेट हो जाऊंगा. तो मैं भी लेट हूं बेटा. बॉस ने आपको बुलाया है. बबलू जी, बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी. क्या कमा लेना जिंदगी. चुप करो, फिर से रिजेक्ट हो गया. आज तो दबा के पीऊंगा, पिला दो प्लीज. ये अंगूठी तुझे घर बैठे बैठे बना दे करोड़पति. किसी को बताना मत, हमारी लॉटरी लगी है. क्या पता नहीं कौन से गरीब खानदान में पैदा हो गया हूँ मैं. एक प्लेट लगाना यार, एक बार बड़ा सिंगर बन गया ना मैं, फिर अपने मन की करूंगा. शुक्र माना तू मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ बेंचो. इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं. कोई तो हर चीज में अपने बाप से भीख मांगनी पड़ती है. एक एक बाइक चाहिए, वो भी मांगने में पापा से शर्म आ रही है. कौन सी बाइक? निंजा डुकाटी. अच्छा, अब दोनों को एक ही साथ ही चलाएंगे जय देवगन जैसा. तो गोल का मना बेंचो. हाँ दे रहे हैं. थोड़ा और दीगा मनाना यार. भैया जी कल सुबह दिक्कत हो जाएगी ना आपको. गांड से आपके गोले आ गएंगे. तुझे क्या बेंचो, लड़की को तो लाल मिर्च में डुबो के खिलाता है. तो क्या है ना भैया जी, लड़कियां बहुत प्यार से मांगती है. तो दे देते हैं. हम कहते हैं साथ में कर ले बेंचो. बना. अच्छा दे रहे हैं, रुकिए. यार यहाँ पे शॉट कितना अच्छा लिया गया है. तो फोन में बैटरी नहीं है, वो पापा को चैन नहीं है. दोनों को एक साथ दिखाने के लिए. भुवन भुवन वाओ भुवन, ये आजकल के बच्चे बड़ा ऊंचा सुनते हैं. भुवन 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 पैचो मौत भी आया था. ऐसा लग रहा है भुवन चिल्ला रहा है. निकल ले, लगता है कोई ठोक के मर गया. चल 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 चल. रोक दे, पकड़ो उसको. भाग नहीं सकता यार, मेरी टांग में दर्द है. अरे नंबर नोट किया क्या? बहुत तेज भगा ले गया गाड़ी. बढ़िया इंजन वाली गाड़ी होगी. एक मोबाइल लेके लग गए सारे. सारे फोटो वीडियो यही बनाने में लगे हुए. अपने बाप से पूछे, वो एक बार दिख चुके हैं. जिंदा हो गया नहीं. बहुत तेज टक्कर भाई, मफलर भी निकला, एकदम कस के बांधा होगा. पापा 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 क्या हुआ? अरे एम्बुलेंस को बुलाओ. Somebody please call 911. 911. अबे चूजी 102 मिला. पापा पापा कह रहे गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं. तो शुल्क लागू. अबे यार भाई साहब, आप एम्बुलेंस को फोन मिलाइए साहब. एक मिनट, इंस्टा लाइव चल रहा है. रुके. अरे भाई साहब आप मिलाइए ना भाई. फोन दियो फोन दियो. ये बॉडी घुमा दोगे? फोटो ढंग से नहीं आ रही है. वैसे मॉडल लेडी इधर. हट यहां से, हट हट. दाऊ जी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते. दाऊ जी आप कौन लगते हैं इनके? एक्टर हूं भाई, रील्स बना रहा हूं. मैं भी बॉर्डर पे जा रहा हूँ, सीओडी खेलता हूँ ना. बहुत स्वीट के तू भी लाइव कर रहा है. 32 फॉलोअर तेरे. हट हट. हेलो एम्बुलेंस. वो गिरा पड़ा है यार, उसको चोट लगी है. ये कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई गई इंसानों की हैवानियत. लॉटरी. ला ला लौड़ा संभाल के. अरे चुप रे यार.
पापा बोलो ना। अरे यार तू सम्मी को फोन मिला, पकड़ो पकड़ो पापा। जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। ऐसी नाजुक स्थिति में एक आदमी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है, और इंसान की तो फितरत यही है कि वो दूसरों को बीच रास्ते में छोड़कर आगे निकल जाता है, फिर चाहे सर फूटे या माथा। यारा मैंने तो ना कर दी। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। क्या बात है। यहाँ बयान सोनी की कमेंट्री मस्त है। एज 51 मैंचो, मेडन नेम, मेट का नेम कांता भाई। इसमें काम वाली आंटी का नाम क्यों लिखना है मैच? मेडन नेम मतलब पहला नाम। बबलू बेंचो। ये बेंचो बेंचो क्या लगा रखा है? यही तो मेरा स्टाइल है। आई कांट एक्सेप्ट दिस। लव लेटर थोड़ी ना लिख रहा हूं मैं, एडमिशन फॉर्म है। मुझे दो, मैं फिल करती हूं। मम्मी भी आ गई। आई एम सॉरी। नहीं, वो ठीक है अभी। सॉरी वो एसी नहीं चल रहा है ना इसलिए। हट जा कुत्ते। संभालिया इन्हें। अरे भाई कैसे हो, सब कुछ ठीक? तुझे क्यों बताओ? आपने खाना खाया ठीक से? तुझे क्यों बताओ? जाओ ना भड़वाओ, चेंज तो करने दो। अरे मिश्रा जी घबराने की कोई बात नहीं है, कई काम ऐसे हैं जो एक हाथ से भी हो सकते हैं, समझे? जाओ बेटा ताऊ जी के साथ खेलो। हाँ। जी जहाँ भी छुपे हैं बाहर आ जाइए, शूटर पे इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है। ये क्या मेंटल वार्ड है? 300 में देना यार। 5000 में लेना है तो लो, वरना निकलो। हट पुश पुश पुश। हॉस्पिटल है पागल खाना। मोटे मोटे फोन दो ना, फोन दो ना। कहाँ था तू? तब से फोन कर रहे हैं। देखो तेरे को फोन किया था, तेरा फोन ही ऑफ था। और बैनहो को तो पता है मैं एक हफ्ते से यहीं आ रहा हूँ। क्यों? फॉर्म डोनेट करने। कब तक अपनी औलाद को बहाता रहूंगा? ध्यान रखना हाँ, एग्जैक्टली 15 है। इतना सारा एक हफ्ते का? पागल है क्या? आज के बैनहो कहाँ है? फॉर्म भर रहा है। ये कोई उम्र है नफबंदी कराने की? एडमिशन फॉर्म भर रहा है। ओ पैराडाइज हॉस्पिटल, ये क्या चल क्या रहा है? किसी बासी रोटी जैसा चेहरा हो गया इनका। और नीरज में भी हंसी आ रही है। मेरे जी घबरा रहा था, पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं कोई गाड़ी वाला मार गया। तू उसके पीछे क्यों नहीं भागा? मैं कुत्ता हूँ क्या मम्मी? मेरे सामने भी नहीं हुआ ये। हाँ लेकिन अच्छा नहीं हुआ हम वही थे, नहीं तो कुत्ते की मौत मरते हैं। मेरा मतलब है कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, सब लोग अपने फोन में लगे हुए थे, कोई हिला तक नहीं। तू कहाँ था? मैं तो घर पे हिल रहा था ना। हे भगवान। मैंने मना किया था ना सीजन 8 देखने के लिए। सीजन 7 तक ठीक थे कि नहीं आप बताइए? सर सीले के पैर तक बावले हो गए हैं। शेम। हाय हाय। वाओ। अबे बावले इंसान, तेरा बाप लेटा है वहां पे। Hi, I'm Tara. I'm going to be looking after Mr. Bablu. His vitals look okay. Hosh aaya? Ifka to kho gaya. Kuch khaya? Bhook nahi hai. Inhone kuch khaya? Haan, shayad. Wife ka naam? Meri shaadi nahi hui abhi tak. Janki naam hai mera. Ye theek to ho jayenge na? पिछली बार इतने शांत हमारी शादी के मंडप पे थे। घबराने की कोई बात नहीं है, he will be fine. खतरे से बाहर है, सर पे गहरी चोट लगी है ना। Before passing out, he was trying to say something, but I couldn't figure out. मतलब? इंग्लिश में बात कर रहा है बेटा, हिंदी में समझा दी। नहीं नहीं मैं समझ गई आंटी, अक्सर ट्रॉमा केसेस में लोग ऐसे मुंह से जिब्रिश वर्ड्स निकालते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक पेशेंट आए थे,
जो मुझे अपनी बेटी समझकर पुचकारते रहते थे। बाद में पता चला कि उनपे हरासमेंट के 25 केसेस हैं। ये तो खुद को भी हाथ नहीं लगाते। हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे, तब तक आप में से कोई बिल पेमेंट कर दीजिए। मैं चलता हूँ मम्मी, तुम भी चलो। मैं चलती हूँ। वेलकम। ख्याल रखना अपना। ये क्या था? सिंगल में क्यों रखना है मम्मी? हाँ तो फिर स्वीटे में ही रखते हैं। स्वीट में रख के क्या करेंगे, डबल शेयरिंग में रखते हैं ना। ना ना, बड़े वाले रूम में रखेंगे। पता है कितना महंगा होता है, पापा को वैसे अंडे वाले के 4,000 देने हैं। सब चुका देंगे लेकिन रहेंगे स्वीटे में ही। स्वीटे? मम्मी इनके पागल हो गए, कैंडी क्रश खेल रही है। इंसान के हार्ट पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? डिपेंड करता है क्या बेचना है। किडनी बेचनी हुई तो 2,00,000। आंखें 10,00,000। भेजा 13 हुआ तो 15 हो, उस पे भी फ्लैट 70%। चुप बैठ खेल। तुम ठीक तो हो ना मम्मी? ठीक हूँ। टेंशन है? गैस है। इसके बाद पीछे मुड़के नहीं देखेंगे? देखना तो पड़ेगा ना बेटा, फ्लश भी तो करना होता है। सुबह से 6 बार जा चुकी हूँ। मैं पापा की बात कर रहा हूँ मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक कैसे हो गया। एक पल में इतनी अच्छी खबर दी और उसके बाद ये सब। तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अचानक से ही। एक सेकेंड, अच्छी खबर मतलब? हेलो जानकी। हाँ? अब जिंदगी पलटने वाली है। अब कौन सा बैंक बंद हो गया? तुम किसी से कहना मत, हमारी लॉटरी लगी है। क्या जीता? कुकर, फ्रिज? अरे अब तो ऐसे हजारों फ्रिज खरीद सकते हैं हम। क्यों, कुल्फी बेचोगे? कुल्फी खाने के दिन आ गए हैं जानकी। वो 15 रुपए की कुल्फी अब हम 5-स्टार होटल में 350 रुपए दे के खा सकते हैं रोज। मतलब लॉटरी लगी है मेरी 11 करोड़ की। अब देखना, वो संडे वाले के 4,000 रुपए का उधार चुका दूंगा, फिर उससे उसी की मुर्गियों का फार्म खरीद लूंगा, भुवन को रोज अंडे खिलाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम बस भुवन को बताना मत, मैं उसके चेहरे के तोते उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके उड़ गए तोते? सब उड़ जाएंगे, ये रहते हैं। क्या 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 लॉटरी? हर बार थोड़ी जीतेगा मैच। अबे अंकल कहाँ गए? कोमा में। अबे बेड पे नहीं है क्या? कहाँ गुड्डा? यहाँ नहीं। अबे कहाँ गए यार? अरे यार कहाँ चले गए बबलू जी? तू ड्रॉर में क्या देख रहा है? पार बैंक है क्या अंकल? वो फुट गए। होश आ गया। वाओ, होश आ गया। इनके मतलब चेहरे के 36 क्यों बजे? उड़ गए, चल दिया हिव्यार। अरे इनको होश आ गया। पापा को होश आ गया? नहीं, कोमा में टहलने निकले। आपका स्वीट रेडी है? क्यों, तेरे बाप का हनीमून है? स्वीट दे रहे बैंचो, लॉटरी लगी है क्या? हाँ हाँ लॉटरी लगी है। बताओ इन्हें क्या जीता, कुकर, फ्रिज या चांदी का सिक्का? नहीं नहीं, पूरे 11 करोड़ की लॉटरी लगी है। सबको बताने की क्या जरूरत है मम्मी? अरे हम सब घर वाले ही तो हैं। हाँ तो अभी बहन ब्याह देना इसके साथ। मैं कौन हूँ? आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कौन है? तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी पत्नी जी, ये सब कौन है? गया दाज। कंगी के मुंह वाले भैया। आपको अपना नाम याद नहीं है? अभी तो आपने बोला मैं ठीक हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? I think he's lost his memory. अब ये क्या बोल रहे हैं? ये शायद अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अंकल ये कितनी उंगलियां? अबे अंधे नहीं हुए हैं, याददाश्त गई है। याददाश्त तरु, तुम सब हो कौन? गजनी होगा, गजनी। अबे मर जाएगा इंसान। कुछ लोगों के पास दो लवड़े होते हैं, एक लगा होता है बॉडी में
और दूसरा लिखा होता है नसीब में। सही बात। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाय इतनी जल्दी खत्म? नहीं मुझे और देखना था। गाइस यार सेकंड एपिसोड ये भी फर्स्ट एपिसोड की तरह ही धमाकेदार था एंड व्हाट शॉट्स यार, क्या शॉट्स लिए गए हैं इसमें। मतलब लग ही नहीं रहा है कि एक इंसान ने ये इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, वो भी एक साथ एक टाइम पर। मतलब कैमरा एंगल सुपर्ब यार, सुपर्ब, और हर चीज माइंड ब्लोइंग है यार। इतना अच्छा लग रहा है वो डॉक्टर, वो भी भुवन की मतलब घंटी बजने लगी उसको देख के। और भाई बाप लेटा हुआ है उस पर ध्यान ले ले, और मम्मी वो तो अलग ही दुनिया में है भाई साहब, वो स्वीटे में ही रहेंगे, स्वीटे में रहेंगे, स्वीटे में ही, और कैंडी क्रश खेल रही है। मतलब पति लेटा है हॉस्पिटल बेड पे, उससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब। यार 11 करोड़ की लॉटरी लग गई है, बस उसी का ढोल पीटे जा रही, उसी पे तो नाम है इसका सीरीज का नाम ढिंडोरा। अब लास्ट में देखते हैं यार इसमें क्या होता है। मुझे जल्दी से बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इसके पार्ट 3 का, एंड आई होप आप लोगों को भी रहेगा। और अगर आपको रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। और मुझे नहीं लगता यार कि कोई बचा होगा, कोई भी इंडिया में कोई बचा होगा जिसने वेब सीरीज़ ना देखी हो, बड़े बूढ़ों को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं होगा भुवन बाम है कौन शायद, क्योंकि यार बीबी के इतने फैंस हैं ना, इतने ज़्यादा फैंस हैं। मतलब मैं अपने घर में बात करूं तो हाँ, मेरे घर में भी कई ऐसे लोग हैं जो मतलब हमारे लिए वो, हमें उन्हें देख के डर लगता है, लाइक मेरे ताऊ जी एंड मतलब 2-3 लोग और हैं, मैं फुल डिटेल्स नहीं देख सकती, ठीक है, कौन कौन देखता है मुझे तो पता भी नहीं। मैं और ताऊ जी वगैरह हैं, चाचा लोग हैं, वो सब देखते हैं बीबी को, सब देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार है ही वो इंसान इतना एंटरटेनिंग है, इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग है कि हर किसी को पसंद आ जाए, है ना। तो आई होप यार आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।